हेलो वन, वेलकम टू गुरुमंत्र एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम अर्पित चतुर्वेदी एंड दिस इज गेट जुअलॉजी कोर्स दैट वी आर डीलिंग विद। एंड हेयर आई एम विद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, क्या है बायोमोलिक्यूल, कहाँ देखने को मिलते हैं, कहाँ इनका यूज हो रहा है, क्या चीज़ ऐसी है हमको बायोमोलिक्यूल्स में जो कि हमको देखने को मिलती है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, और बायोलॉजी में जब आप स्टडी करते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो बायो कहाँ से आया है, लिविंग कोई चीज़ कैसे है, क्योंकि कुछ ऐसे छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि आपस में मिल के कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि हमारा सिस्टम हमको लिविंग लगता है। इस चीज़ पे मैं आराम से आपसे डिस्कशन कर सकता हूँ कि हम लिविंग हैं या नॉन लिविंग है। बेसिकली लिविंग या नॉन लिविंग का क्राइटेरिया डिसाइड करना अभी भी पूरा पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद सोचें तो एक सेल के अंदर चलने वाली सारी रिएक्शन सिर्फ एक प्रिसाइज्ड सिंक्रोनाइज्ड कैस्केड्स हैं रिएक्शन की, जो कि हमको देखने को मिलती है और अल्टीमेटली हमको एक रिजल्ट उसका निकल के आता हुआ दिखता है, और उस रिजल्ट को देख के हम कहते हैं कि हाँ ये लिविंग है। जबकि एक बायोमोलिक्यूल दूसरे से इंटरेक्ट करता है, दूसरा तीसरे से करता है, तीसरा चौथे से करता है, और इस तरीके से सारे आपस में सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हुए हमको एक इफेक्ट दिखाते हुए मिलते हैं। तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स आर दैट मॉलिक्यूल्स दैट आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब ये कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, क्या रोल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, उनके बारे में हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बायोमोलिक्यूल्स हमको देखने मिल रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें कि हाँ किस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं या क्या हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स नेसेसरी फॉर लाइफ, जिसको आप कह रहे हो ना बायोलॉजी का जो बायो है, उसके लिए जो नेसेसरी हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उनको हम कह रहे हैं बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स। ओके, कौन कौन से मेजर बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इनको हम इसलिए बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं क्योंकि ये कोर बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनसे डिराइव्ड बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिराइव्ड इन्हीं से बनती हैं जो कि हमको अपने इन्वायरमेंट में, अपने बॉडी के इन्वायरमेंट में देखने को मिलती है। ठीक है, और ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जाहिर सी बात है बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं तो कुछ ना कुछ इनकी माइक्रो यूनिट्स भी होती होंगी, यानी कि मोनोमेरिक यूनिट्स भी होती होंगी। ठीक है, तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि हमको चार क्लासेस हैं जो हमको पता होनी चाहिए, जिनके बारे में हमें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, है ना। बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हमें कार्बन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इसके साथ साथ इसमें हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और कुछ एडिशनल माइनर एलिमेंट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेलेनियम हो गया आपका, ऐसे छोटे छोटे और एलिमेंट्स हमको देखने को इसके साथ साथ मिलते हैं कम क्वांटिटी में, लेकिन मैक्सिमली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर देखने को मिलते हैं, जिसमें से फॉस्फोरस आपको और नाइट्रोजन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, लिपिड्स में आपको देखने को मिलेंगी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आपको सल्फर प्रोटीन में देखने को मिलेगी, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स जो होते हैं हमारे पास, मेथियोनिन और सिस्टीन। ठीक है, तो ऐसे जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो साथ में पीछे का रिवाइज करते चलो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है सब कुछ रिवाइज करने का एक साथ। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कि क्या हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो बायोमोलिक्यूल्स बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या ये एनर्जी स्टोरेज का काम कर रहे हैं, आपको पता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में हम ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि हॉर्मोन्स की तरह। ठीक है, हमको पता है कि पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, ये स्टोरिंग स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं जेनेटिक कोड्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, या ये बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में अपना ऑल्टरेशन शो कर रहे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहे हैं, हॉर्मोन्स की तरह काम कर रहे हैं, जैसे ग्लूटामेट है, ग्लाइसिन है, ढेर सारे हमको न्यूरो ट्रांसमीटर पता है जो कि हमारे ब्रेन में न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहे हैं, एक सिनैप्स के बीच में वर्क कर रहे हैं
और अपना फंक्शन जो है वो शो कर रहे हैं। तो बहुत ही वाइड रेंज है इनके रोल की जो हमको देखने मिलती है अपनी बॉडी में। तो एक एक करके हम क्लास को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली जब ये चीज़ डिस्कस मतलब जब नई नई ये चीज़ ढूंढी गई थी, डिस्कवर करी गई थी, तब इसको डेफिनेशन मिली थी कार्बोहाइड्रेट्स को, कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, पहले ऐसा कहा जाता था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और ये माना जाता था कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता था इनको। लेकिन बाद में ऐसा पाया गया कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहना ठीक नहीं होगा। तो इनकी रोल जो डेफिनेशन है वो बदल दी गई थी। दीज आर लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच प्ले अ वाइटल रोल इन डेली लाइफ। ठीक है, तो ये हमारे पास अब लार्ज ग्रुप है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है, और केमिकली कार्बोहाइड्रेट को अब डिफाइन किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और सब्सटेंसेस विच गिव सच मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो अब आप इस तरीके से डिफाइन करते हो, पहले इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हम बोलते थे लेकिन अब हम नहीं बोलते। ठीक है, लेकिन नाम वही चला आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से ही नाम इसका वो लिया गया था। ठीक है, ये प्लांट में प्रोड्यूस किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, तब हमको पता है कि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट में CO2 होती है, उस CO2 को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हुए हम C6H12O6 या कार्बोहाइड्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। और अभी तक के लिए तो हमारा सोल सोर्स वही है कार्बोहाइड्रेट का जो हमारे फूड चेन में आता है, जो हमको देखने को मिलता है। हम हेटरोट्रोफिक हैं तो हम प्लांट से ये डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट या बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हमको स्वीट मिलते हैं टेस्ट में, मीठे मिलते हैं टेस्ट में, इसीलिए स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स कहते हैं। ठीक, एक जनरल नेम है जो इनको दिया हुआ है, शुगर्स, स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स को। और ये बहुत ही सारी इसकी वाइड एरे है, मतलब हेल्दी और अनहेल्दी फूड दोनों में ही हमको शुगर देखने को मिलती है। जैसे आपके ब्रेड, बीन्स, मिल्क, पॉपकॉर्न, पोटैटो, कुकीज़, स्पेगेटी, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्न, चेरी पाई, है ना, ये हमको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डाइट करते होंगे, उन लोगों को पता होगा कि कीटो डाइट में कार्ब एकदम बंद करना होता है, ये नहीं लेना। या कोई नया नया आदमी जो 2-4 दिन जिम चला जाता है, वो बताने लगता है एक दिन से, भैया कार्ब बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है या कैसे करना होता है, तो वो भाई उनको अपने तक रहने। तो लेकिन हेल्दी और अनहेल्दी दोनों ही तरीके के हमको फूड इसमें देखने को मिलते हैं, या दोनों ही तरीके के फूड्स में हमको कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट कुछ ना कुछ तो देखने को मिलता है। और मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ हमको देखने को मिलती हैं जो शुगर्स, फाइबर्स और स्टार्चेस की फॉर्म में ये रहता है। ठीक है, स्टार्च तो सबसे ज़्यादा हर प्लांट में हमको स्टार्च स्टोरेज देखने को मिलता ही मिलता है। बात करें अगर हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की, कि किस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है हमने इतनी ज़्यादा वाइड रेंज जो हमको कार्बोहाइड्रेट देखने मिल रहे हैं उसको, तो हमने यहाँ पे 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है अपने कार्बोहाइड्रेट को। वो कौन से 3 मेजर ग्रुप हैं? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, तीनों से ही अपने अपने लेवल पे क्वेश्चन आते हैं या अपने अपने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। मोनोसेक्राइड की अगर हम बात करें यहाँ पे कि मोनोसेक्राइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो मोनोसेक्राइड में सबसे पहले हमको मैसम निकल जाता है कि ए मोनोसेक्राइड इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन डायरेक्ट। अब मोनोसेक्राइड इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली OH, कई सारे OH ग्रुप मिलेंगे और एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा या कीटोन ग्रुप मिलेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जिसको हम उस लेवल के बाद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। यानी कि जब एक बार हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन की बेसिक यूनिट मिल गई, अब उसके बाद उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते स्मॉलर मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं मोनोसेक्राइड। ठीक है, और इन अराउंड हमको नेचर में 20 मोनोसेक्राइड यूनिट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें ग्लूकोज जो है वो सबसे कॉमन यूनिट है। क्योंकि ग्लूकोज जो आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा यूज होता है एज ए जो एनर्जी का हमारे पास रॉ प्रोडक्ट है उसके लिए। ठीक है, एनर्जी से डिराइव होती है हमारे पास, हमारी बॉडी में भी सभी सेल्स में होती है, और जो हमारे बाकी देखने को मिलते हैं क्या कहते हैं एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब में ग्लूकोज का एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। इसलिए ग्लूकोज जो सबसे कॉमन
है इन सभी मोनोसेकेराइड्स में। उसके बाद अगर मोनोसेकेराइड की बात करें तो इनके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इनको कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोजेस, और अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटोजेस। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है बॉन्ड CHO। कीटोन ग्रुप क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है ये, ठीक है। जब आपका दोनों तरफ जो आपकी वैलेंसी है कार्बन की वो कार्बन से ही फुलफिल्ड हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कीटो ग्रुप। दोनों वैलेंसी कार्बन से फिल्ड होनी चाहिए, हाइड्रोजन नहीं। अगर हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, तो कार्बन से फिल्ड होगी तो हम इसको कीटो ग्रुप कहेंगे। तो कुछ हमको इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नंबर हमारे पास कार्बन के तीन है, ठीक है, तीन कार्बन है, और हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, दो क्लासेस, एक एल्डोज की एक कीटोज की। मतलब अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तीन कार्बन के साथ तब, और अगर कीटोज ग्रुप है तीन कार्बन के साथ तब। तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम कहेंगे एल्डो ट्रायोस या ग्लिसर एल्डिहाइड, फोर कार्बन है तो एल्डो टेट्रोस या जाइलोस, फाइव है तो एल्डो पेंटोस या एरिथ्रोस, एल्डो हेक्सोस या ग्लूकोज हम कहेंगे सिक्स कार्बन को, और एल्डो हेप्टोस का हम कहेंगे सेवन कार्बन को। सेम ऐसे ही कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस एंड कीटो हेप्टोस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट एज वेल एज द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ओके, तो ये हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें से कुछ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये आपका है ग्रुप एल्डिहाइड, ये है ग्रुप आपका कीटो, और एक दो तीन चार पाँच पॉलीहाइड्रोक्सी, एक दो तीन चार पाँच पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। तो इस तरीके को देखने को मिल रहा है। राइबोस की अगर आप बात करो यहाँ पे तो पांच कार्बन आपको मिलेंगे ये CHO ग्रुप के साथ, एक दो तीन चार पाँच कार्बन, और एक दो तीन चार हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके, ओके। ऐसे ही 2D ऑक्सी डी राइबोस की अगर आप बात करोगे तब आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा हमको, है ना, जिसमें आपके सेकेंड कार्बन पे सेकेंड पोजीशन पे जो OH ग्रुप है वो रिमूव हो चुका है, ओके। तो डी राइबोस को हम लोग यूज़ करते हैं RNA में, जब शुगर की ज़रूरत पड़ती है हमको डी ऑक्सी डी राइबोस को यूज़ करते हैं हम DNA बनाने के लिए, जब हमको शुगर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे अभी न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। तो बात करें अगर यहाँ पे हम ग्लूकोज फ्रेक्टोज के स्ट्रक्चर, तुमको पता चल गया है ग्लूकोज हमारा एल्डोज है और फ्रेक्टोज हमारा कीटोज है, लेकिन ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, या हम ये कह लें कि इनका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं आइसोमर्स। तो ग्लूकोज एंड फ्रेक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, ओके। इसके बाद इनका एक और तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि हमारा देखने को मिलता है हमको, वो है रिंग स्ट्रक्चर। ज़्यादातर जो है आपको ये रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये एक एडिशनली यहाँ पे इंकॉर्पोरेट करी है। आपके फिफ्थ कार्बन के साथ क्या होगी, इस तरीके की बॉन्डिंग होती है यहाँ पे इस कार्बन के साथ, और जब यहाँ पे बॉन्डिंग होती है तो ये रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। अल्टीमेटली इसको ऐसे बनाया जाता है जब हम अपनी मतलब नोटबुक में बना रहे होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन यहाँ होता है। तो ऐसे 6 कार्बन हमको दिखाए जाते हैं और इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रिंग स्ट्रक्चर बनता कैसे है, वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये इतना ही बस इंपॉर्टेंट हमको पता होना चाहिए कि किस कार्बन से लिंक होता है, 6 कार्बन कहाँ होता है, ठीक है। सेकेंड फिर हमारे पास क्लास आ जाती है, कैटेगरी आ जाती है, वो है डाइसैकेराइड, ठीक है। डाइसैकेराइड पता चल रहा था आपको, मोनोसैकेराइड सिंगल, डाइसैकेराइड दो यूनिट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम अगर हाइड्रोलाइज करें या हाइड्रोलिसिस उनकी करें तो हमें दो मोनोमरिक यूनिट देखने को मिले, दो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स देखने को मिले, इनको हम कहते हैं डाइसैकेराइड। कौन से होते हैं, जनरली सुक्रोज मैल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है, और भी होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सुक्रोज मैल्टोज और लैक्टोज है। तो इनका कंडेंसेशन करा के हम क्या करते हैं, दो मोनोसैकेराइड यूनिट का कंडेंसेशन करा के हम एक डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये जब मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो इनको लॉस ऑफ वाटर देखने को मिलता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इनको कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम दिया है। उसके बाद हमें हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है, तब हम इन दो मोनोसैकेराइड यूनिट को एक दूसरे से अलग कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें किस बॉन्ड के थ्रू ये आपस में जुड़े होते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी। तो जब भी कोई ग्लूकोज यूनिट किसी और हमारी ग्लूकोज यूनिट से जुड़ेगी तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिल रहा है, कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो मोनोसैकेराइड यूनिट किस
बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं ग्लाइकोसाइड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, और कॉमन डाइसैकेराइड बना रहे हैं लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। पूछा क्या जाता है एग्जाम में आपसे, ये पूछा जाता है कि लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज को आप ब्रेक डाउन करोगे तो इसके जो मोनोमेरिक प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, तो वो आपके लिए याद करना जरूरी है। लैक्टोज को जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज देखने को मिलेगा, ठीक है, ये नेचुरली हमको मिल्क में देखने को मिलता है। माल्टोज को आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, माल्टोज को ब्रेक डाउन करोगे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सुक्रोज जो है, जिसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं, इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको ग्लूकोज और फ्रेक्टोज देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रेक्टोज देखने को मिलेगा। तो ये तीनों के जो हमारे मोनोमेरिक कंपोनेंट्स है वो आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देखें कि किस तरीके से कंडेंसेशन हो रहा है, तो कुछ ऐसा है, हमारे पास एक मोनोमेरिक यूनिट है, दो मोनोमेरिक यूनिट है और दो मॉलिक्यूल्स हमारे ग्लूकोज के आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन के साथ जुड़ रहे हैं, वाटर का लॉस हो रहा है और ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज जो हमको बनती हुई मिल रही है, ठीक है, और हमारा ये बन गया माल्टोज, दो अल्फा ग्लूकोज जब आपस में जुड़े, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डाइसैकेराइड जो है वो बनता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है पॉलीसैकेराइड की। फर्स्ट मोनोसैकेराइड में एक यूनिट, डाइसैकेराइड में दो यूनिट, पॉलीसैकेराइड में बहुत सारी यूनिट, जाहिर सी बात है। तो अब क्या है, अब ये कहा गया है कि गोरमंदर अकेडमी के एक सारे बच्चों से मिला जाए, तो सबको एक जगह बुलाया गया, ठीक है। जब सबको एक जगह बुलाया गया तो एक लंबी चेन बनवाई गई। कैसे चेन बनवाई गई, कहा कि ठीक है आप लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ो, ठीक है, आप लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ो और एक साइड बाई साइड खड़े हो जाओ, देखते हैं हम लोग कितनी लंबी चेन बना सकते हैं। तो सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े और सब साइड बाई साइड खड़े हो गए, ऐसे करके यूं एक लंबी सी चेन बन गई यहाँ से यहाँ तक। तो अब जो यहाँ से यहाँ तक की बनी हुई लंबी सी चेन है या बड़ा स्ट्रक्चर है, इस बड़े स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉलीमर, ठीक है, इस बड़े स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉलीमर। कहा जाता है ना कि एकेडमी के बच्चे ही हमारी नींव है, तो अगर आपने यहाँ पे इतनी बड़ी चेन बनाई हुई है जिसको हम पॉलीमर कह रहे हैं, जो कि एक साथ पूरी एकेडमी बनी हुई है, तो पूछेंगे किससे मिलके बनी है, इसकी मोनोमेरिक यूनिट कौन सी है, कौन है इसका वो सीक्रेट एजेंट मोनोमर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक बच्चा इसका एक मोनोमर है, ठीक है, हर एक बच्चा इसका एक मोनोमर है। तो इस पॉलीमरिक यूनिट का, इस पॉलीमरिक चेन का मोनोमर क्या है, हर एक स्टूडेंट। ऐसे ही स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ये तीनों ही लंबी लंबी चेन्स होती हैं ग्लूकोज की, ठीक है, लेकिन उसकी मोनोमेरिक यूनिट कौन सी होती है, ग्लूकोज, है ना, स्टार्च में भी, ग्लाइकोजन में भी, सेलुलोज में भी। बस इनका स्ट्रक्चर हमको थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट देखने को मिलता है। स्टार्च हमको प्लांट में मिलेगा, ग्लाइकोजन हमको एनिमल्स में मिलेगा और सेलुलोज हमको प्लांट्स में देखने को मिलता है, वो भी इनके सेल वॉल में, ओके। और हमको पता है कि सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सेलुलेज नहीं होता है। स्टार्च को हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अल्फा माइलेज होता है। इजी, कितना आसान है, ऐसे जो भी पढ़ो पीछे का याद करते चलो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अल्फा माइलेज है, तो इसका मतलब स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता होगा, ग्लूकोज, और सेलुलोज हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सेलुलोज के जो दो कार्बोहाइड्रेट या दो शुगर है वो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकर से जुड़े होते होंगे। बस कितना ईजी है, सिर्फ याद करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड जो है वो काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है, जो कि हमको पॉलीसैकेराइड के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से काइटिन हमारा एक्सोस्केलेटन बनाने के काम आता है जो हमारे ऑर्थोपोड्स हैं उसमें। तो स्टार्च हमारा स्टोर होता है प्लांट्स में, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का मिलकर बना होता है, दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का पॉलीमर है जो कि हमको देखने को मिलता है ह्यूमंस में, और ये इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है ग्लूकोज। यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन रेस कर देता हूँ ताकि मुझे पता भी चल जाएगा कि आप लोग पूरी वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो, है ना। खैर वो तो हम लोग के पास डेटा रहता है, इस बात से आप निश्चिंत रहो, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये है प्लांट, ये है प्लांट और ये है एनिमल। इस प्लांट में सेल्स हैं, इस एनिमल में लीवर सेल्स हैं और मसल सेल्स हैं, ठीक है। तो लीवर सेल्स में आप स्टोर कर रहे हो क्या, ग्लाइकोजन, और प्लांट सेल में आप स्टोर कर रहे हो स्टार्च। स्टार्च भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का पॉलीमर है,
आपको मुझे ये बताना है कि अगर मेरे पास 100 ग्लूकोज की यूनिट थी और अगर मेरे पास 100 ग्लूकोज की यूनिट थी तो मैंने उसे ग्लूकोज की फॉर्म में ही क्यों नहीं स्टोर कर लिया हमारे के कहते हैं हेपेटोसाइट्स में या लीवर के सेल्स में या प्लांट के सेल्स में, हमने ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर क्यों नहीं कर लिया इन 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को? क्या ज़रूरत थी स्टार्च और ग्लाइकोजन को बनाने की? आपको पता है कि ग्लाइकोजन को बनाना भी एक टीडियस प्रोसेस है, तो क्या ज़रूरत थी हमें ग्लाइकोजन और स्टार्च को बनाने की? हम 100 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के रखे रहते, जब ज़रूरत होती हम उसे निकालते और इस्तेमाल कर लेते, काटो घोलो लगा लो, ठीक? तो कितना आसान होता हमारे लिए। तो आपको मुझे ये जो हमारा ग्रुप है डिस्कशन ग्रुप, उसमें इसका आंसर देना है कि क्यों ऐसा नहीं होता, ठीक है? क्या चीज़ ऐसी होती है कि हम ग्लाइकोजन और स्टार्च बना के स्टोर करते हैं और ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है? आई विल बी वेटिंग फॉर दिस। तो पॉलीसेक्राइड हो गया हमारे पास, पॉलीसेक्राइड का स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो कैसा हमको देखने को मिल रहा है? ये हमारा स्टार्च अल्फा ग्लाइकोसिडिक कौन से जुड़ा हुआ, ये हमारा ग्लाइकोजन ब्रांच चेन हमको देखने को मिल रहा है, ये हमारा सेलुलोज जो कि बीटा लिंकेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, और ये हमारा काइटिन जिसमें हमको अपना एन एसिटिल ग्लूकोज हमें देखने को मिल रहा है, एन एसिटिल ग्रुप एडेड देखने को मिल रहा है, जिससे मिलकर हमारा काइटिन बना हुआ है जो कि एक्सोस्केलेटन की तरह काम करता है ऑर्थोपोड्स में, ठीक है? तो ये हमको कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखने को मिला, ये कार्बोहाइड्रेट को हमने जाना इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास सेकेंड बायोमोलिक्यूल आ जाता है, सेकेंड इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, और वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का अपने आप में बहुत महत्व है, प्रोटीन्स आपकी बॉडी में हद से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर आप प्रोटीन को देखने की कोशिश करो तो प्रोटीन बनते कैसे हैं? डीएनए से बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, और प्रोटीन बेसिकली आपकी बॉडी में दो तरीके के मेजर रोल परफॉर्म करती है, एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल। स्ट्रक्चरल में प्रोटीन अपने फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है? आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके, जैसे कि कोलेजन है, केराटिन है, आपके इलास्टिन है, ये सारी प्रोटीन्स या ऐसी प्रोटीन्स जो कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रहती हैं, एक सेल के दूसरे सेल को जोड़ती हैं, कैडरिन है, इंटीग्रिन है, ठीक है, ये सारी प्रोटीन्स। फंक्शनल प्रोटीन की अगर आप बात करो तो फंक्शनल प्रोटीन किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करती हैं? जैसे कि आपके हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है, हॉर्मोन्स हो गए, और सबसे मेजर कैटेगरी एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स। मतलब ऑलमोस्ट आपको 98-99% जो एंजाइम्स देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे प्रोटीन्स मिलेंगे। तो प्रोटीन का जो फंक्शनल पार्ट है वो मेजर हमको एंजाइम्स की फॉर्म में ही देखने को मिलता है और हॉर्मोन्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। एंजाइम आपको पता है कि एंजाइम कितने ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन हमारे लिए। तो प्रोटीन बेसिकली एक पॉलीमर है जो कि किन मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना हुआ है? अमाइनो एसिड। अगर आप वैसी ही चेन बनाओ जैसी हम लोगों ने बनाई थी, तो वैसी ही चेन को हम कहेंगे पॉलीमर, जिसमें पॉलीमर का नाम है प्रोटीन और उसके मोनोमरिक यूनिट का नाम है अमाइनो एसिड। ऑलमोस्ट हमको 20 अमाइनो एसिड नेचुरली अकरिंग अपने इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं, और इन्हीं अमाइनो एसिड से मिलके सभी प्रोटीन्स जो हैं वो बने होते हैं। कुछ अभी डिराइव्ड अमाइनो एसिड्स भी हैं या कुछ एडिशनल अमाइनो एसिड ऐड करेगा ही, लेकिन जब तक वो रेफरेंस बुक में नहीं आएंगे तब तक उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, जैसे कि पायरोलाइसिन और हमारा सेलेनोसिस्टीन। ओके, तो इस तरीके की चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो प्रोटीन हमको पता चल गया कि एक पॉलीमर है जिसमें हमने अमाइनो एसिड को जोड़ के रखा है। अब बात उठती है कि क्या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जोड़ के रखा है? नहीं, दो अमाइनो एसिड एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं, इसीलिए प्रोटीन को हम पॉली पेप्टाइड भी बोलते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से यहाँ लिए गए, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उन्हें पॉली पेप्टाइड भी बोलते हैं। दो अमाइनो एसिड के बीच का बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ये हमको याद रखना है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसका नेचर रहता है, बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो सॉल्युबल होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो सॉल्युबल नहीं होती हैं, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग तरीके से इनकी प्रोटीन्स का जो है वो इंटरेक्शन हमको वाटर के साथ देखने को मिलता है, और उसी बेसिस पे जनरली हम इसको क्लासीफाई भी करते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्रोटीन का। तो बेसिकली प्रोटीन्स को उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन, उनके शेप, उनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पे दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है सिंपल प्रोटीन और दूसरी है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। एक है सिंपल और दूसरी है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है, तो दो मेजर कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है।
अब होता क्या है कि सिंपल प्रोटीन्स को हम क्यों कहते हैं, सिंपल प्रोटीन को सिंपल क्यों कहते हैं, जब हम इन सिंपल प्रोटीन्स को या इन पॉलीमर्स को लें और हाइड्रोलाइज करें और हमको सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही देखने को मिले, यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल सोलली बेस्ड ऑन या सोलली कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऐसे प्रोटीन्स को कहते हैं सिंपल प्रोटीन्स। ठीक है, और इनकी अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनको हमें, या इनके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनको स्ट्रक्चर के आधार पे दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है सिंपल प्रोटीन्स को, कौन से, फाइबरस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो सिंपल प्रोटीन्स को आगे डिवाइड किया गया है किसमें, फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जाहिर सी बात है अगर हम जानने की कोशिश करें, अभी फाइब्रस और ग्लोबुलर में इसके नाम से ही पता चल रहा है, फाइब्रस फाइबर जैसा। तो जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमको फाइबर जैसा देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, ऐसे हेलिक्स बना के रहता है, प्राइम एग्जाम्पल है कोलेजन। ठीक है, तो जब हमको फाइबर की तरह देखने को मिलता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है, ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं फाइबरस प्रोटीन, जो कि सिंपल प्रोटीन का एक पार्ट है जिसका एग्जाम्पल है कोलेजन। ठीक है, कोलेजन हमारा मेजर प्रोटीन है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में काम करता है, या हम ये कह लें कि दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। काफ़ी सारी जगह हमारे जो नीज हैं, जो जॉइंट्स हैं, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है और हमको क्या कहता है, फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे लिए, मसल के फॉर्मेशन में, हर चीज़ में कोलेजन हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखता है। इसके अलावा इलास्टिन है जो कि हमारे आर्टरीज को, वेन्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ना, जो कि हमारे आर्टरीज की वॉल में प्रेजेंट रहता है, वो भी एक हमारा फाइबरस प्रोटीन है। केराटिन है जो कि हमारे हेयर में रहता है, वूल में रहता है, नेल्स में रहता है। ये अच्छे एग्जाम्पल हैं जो हमको देखने को मिलते हैं फाइबरस प्रोटीन के। ओके, लंबे लंबे थ्रेड जैसे हमको प्रोटीन मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, फाइबरस प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिनको हम फाइबरस प्रोटीन कंसिडर करते हैं। सेकेंड है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, ये एक इसका नाम होता है जैसे ग्लोब्यूल बना के रहता है। ठीक है, ग्लोब्यूल बना के इस तरीके से आपकी जो प्रोटीन चेन होगी वो इस तरीके से इंटरफोल्ड होगी, इस तरीके से कि आपका एक ग्लोब्यूल, हम कह रहे बॉल जैसा, ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि जो 20 अमाइनो एसिड हैं उसमें से कुछ अमाइनो एसिड वाटर सॉल्युबल हैं और कुछ अमाइनो एसिड वाटर इनसॉल्युबल हैं, या बेसिकली हम ये कह लें कुछ अमाइनो एसिड हाइड्रोफिलिक हैं और कुछ अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक हैं। आपको पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होगा वो वैसे में डिजॉल्व होगा। तो अगर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है वो पानी से दूर जाने की कोशिश करता है, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड पानी में डिजॉल्व होने की, पानी में रहने की कोशिश करता है। तो होता क्या है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कोर में जाने की कोशिश करता है कि अगर एक बॉल का स्ट्रक्चर है तो हम उसके अंदर चले जाएं ताकि पानी हमारे पास ना आ पाए, हम भैया पानी से दूर रहें। ठीक है, तो सेम ऐसा ही होता है, अमाइनो एसिड्स जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं वो सेंटर की तरफ चले जाते हैं, कोर की तरफ चले जाते हैं, और ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं वो हमको सरफेस पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोटीन का शेप बन के आता है, ग्लोब्यूल या ग्लोबुलर, ऐसे प्रोटीन्स को हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमको जो एल्ब्यूमिन देखने को मिलता है एग में, वो ग्लोबुलिन जो हमको देखने को मिलता है सीरम में, वो हीमोग्लोबिन जो हमको देखने को मिलता है वो, ये सब हमको एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं किसके, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के। इसके बाद सेकंड क्लास हमारे पास सेकंड कैटेगरी आ जाती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की अगर बात करें कि जब इसको हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे सिर्फ अमाइनो एसिड ही नहीं मिल रहा, कोई ना कोई नॉन अमाइनो एसिड कंटेंट या कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंटेंट भी हमको साथ में देखने को मिल रहा है, जो कि ज़्यादातर हमको इंजाइम्स के केस में देखने को मिलता है, जब एक एडिशनल प्रोस्थेटिक ग्रुप या तो बायोटिन हो या कोई भी ऐसा विटामिन हो जो इसके साथ एसोसिएटेड हो, नॉन ऑर्गेनिक और नॉन अमाइनो एसिड या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ग्रुप एडेड हो एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप टू दी प्रोटीन, तब हम इसको कहते हैं कि हाँ ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा, ईजी है। तो बात करें अगर नेचर और स्ट्रक्चर की, जो बॉन्ड हमको देखने को मिल रहा है दो अमाइनो एसिड के बीच में, वो कौन सा है, वो है पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड को हम CONH लिंकेज भी बोलते हैं, CONH लिंकेज, है ना। इसमें हमको ऐसा क्या देखने को मिलता है, बेसिकली एक अमाइनो एसिड है जिसका COH ग्रुप है हमारे पास, सेकेंड अमाइनो एसिड है जिसका NH2 ग्रुप है हमारे पास। तो यहां से ये OH और ये H मिलके क्या होते हैं, रिलीज करते हैं वाटर, या वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और
फाइनली हमको क्या देखने मिलता है, दो अमाइनो एसिड का जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर या COOH लिंकेज के साथ जुड़ा हुआ एक डाइपेप्टाइड, एक डाइपेप्टाइड इस तरीके से COOH लिंकेज को बनाता हुआ। तो इस बॉन्ड को एग्जैक्टली इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस पेप्टाइड बॉन्ड की कुछ खास बातें होती हैं, क्या इस पेप्टाइड बॉन्ड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। किस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन को चार्ज देखने को मिले जो कि इसे नीचे उतर आता है, ये बॉन्ड इधर आ जाता है, तो कभी कभी सी डबल बॉन्ड एन हो जाता है। तो बेसिकली इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये सी और जो बॉन्ड एन है ये सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है और डबल बॉन्ड से थोड़ा सा वीक होता है। तो इसको कहा जाता है कि ये पार्शियली डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, क्या हमारा डाइपेप्टाइड इसके साथ साथ या सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ नाम दिए जाते हैं। अगर हम बात करें इस सी और एन बॉन्ड को हम कहते हैं ओमेगा बॉन्ड, इस एन और सी बॉन्ड को हम कहते हैं क्या, आप ऐसे याद रखें अगर सी सी साई मिलता जुलता सी सी साई और एन सी फाई, अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा सी सी साई एन सी फाई, ठीक है। तो सी और सी के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं साई, N और C के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं फाई, ठीक है। तो इस तरीके के हमको बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो ये हमारी फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो पहला कार्बन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, ऐसे ही इधर जो कार्बन होगा ये होगा अल्फा कार्बन। तो सी अल्फा और N के बीच का बॉन्ड फाई, सी अल्फा और C के बीच का बॉन्ड क्या साई, और सी और N के बीच के बॉन्ड का नाम ओमेगा। ये हमको याद रखना है, उम्र हमारे काम आने वाला है जब तक हम प्रोटीन पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिल रहा है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्म में। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की बात, थर्ड बायोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार, या हम ये कह लें ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो अगर ना होता तो हमारा जो अस्तित्व है वही होना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है आरएनए और डीएनए, ये दोनों ही पॉलीमर्स हैं जो कि ढेर सारे मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बने होते हैं। लेकिन इनकी मोनोमेरिक यूनिट भी इतनी सिंपल नहीं होती है, इनकी मोनोमेरिक यूनिट भी हमको कुछ कंपाउंड से कुछ मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई मिलती है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इनकी मोनोमेरिक यूनिट में, अगर हम बात करें तो इनकी मोनोमेरिक यूनिट में सबसे पहले होती है एक पेंटोज शुगर, या हम ये कह लेंगे इनकी मोनोमेरिक यूनिट को कहते क्या हैं, इनकी मोनोमेरिक यूनिट को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, शुगर, कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, फिर नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस कौन से हमारे पास, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन और एक फॉस्फेट ग्रुप। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप अब्सेंट है तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, अगर ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इस तरीके का हमको तीन ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, जो कि मिल के बना रहा है क्या, एक न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड से हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो बन रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड हमारा एक मोनोमर है पॉलीमर में, कौन है पॉलीमर, आरएनए डीएनए। अब आरएनए और डीएनए में ऐसा क्या फर्क होगा इस बेसिस पे, तो बेसिकली जो हमारी राइबोस शुगर है, बेसिकली जो हमारी राइबोस शुगर है इसमें अगर हम नंबरिंग करें 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन है हमारे पास, अगर इसके सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है तब हम इसको कहते हैं राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, ठीक। और जब इस राइबोस शुगर से न्यूक्लियोटाइड हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है और उस राइबोस शुगर से बने हुए न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर बनता है तो उसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब अगर हम यहाँ से ये OH हटा दें, अगर हम यहाँ से ये OH हटा दें तब इसको हम अब राइबोस शुगर नहीं बोलेंगे, अब हम इसको यहाँ पे सिर्फ H लगा दें OH हटा के, तब हम इसको बोलेंगे डी ऑक्सी राइबोस, डी ऑक्सी राइबोस शुगर। डी ऑक्सी क्यों, क्योंकि यहाँ से OH ग्रुप का ऑक्सीजन हट चुका है। अब इस डी ऑक्सी राइबोस शुगर से न्यूक्लियोटाइड बनेगा और उससे बनेगा न्यूक्लिक एसिड, उसको हम बोलेंगे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए डीएनए में हमको इतना ही फर्क देखने को मिलता है जो यहाँ पे हमको मिल रहा है, क्या, H और OH।
इसी एच और ओ एच की वजह से सारी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है, इसी एच ओ एच की वजह से सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। क्या कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, आरएनए कम स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि आरएनए में टू प्राइम ग्रुप पे या टू प्राइम कार्बन पे ओ एच ग्रुप होता है जो कि इसको ससेप्टेबल बनाता है हाइड्रोलिसिस की तरफ, जबकि डीएनए में नहीं होता। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि आरएनए और डीएनए में क्या मेजर डिफरेंस हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डीएनए की अगर हम बात करें किस तरीके से न्यूक्लिक एसिड का जो पॉलीमर है वो बन के आता है हमारे सामने, तो कुछ इस तरीके से बन के आता है स्ट्रक्चर जो हमारे डीएनए का, कैसा? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसमें शुगर फॉस्फेट की एक बैकबोन बनी होती है, इसको हम कहते हैं बैकबोन। ये जो आपको डार्क ग्रे कलर से चलती हुई लाइनें दिख रही हैं, ये बैकबोन इसी की हैं, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है ये। इसके बाद में ये जो बीच में आपको इस तरीके से स्टेयर्स दिख रहे हैं, स्टेयर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हैं हमारे बेसेस, क्योंकि दो चेन्स एंटी पैरेलली रन करती हुई मिलती हैं, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे की तरफ, जिनमें दोनों ही तरफ बेसेस जो हैं वो अंदर की तरफ हैंग कर रहे होते हैं, दोनों ही चेन्स में बेसेस अंदर की तरफ हैंग कर रहे होते हैं और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और इस तरीके का स्ट्रक्चर ये बना रहे होते हैं, एक स्टेयर, दो स्टेयर, तीन स्टेयर, चार स्टेयर, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कुछ बेसेस हैं, कौन से बेसेस हैं? एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन, जो कि एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं और इस तरीके का एक हेलिकल स्ट्रक्चर ओवरऑल बनाते हुए हमको दिख रहे हैं। तो ये है हमारा न्यूक्लिक एसिड की बात। बात करें अगर हमारे पास चौथे मैक्रोमोलिक्यूल की, बायोमोलिक्यूल की, तो वो है लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हमको बायोमोलिक्यूल्स की वैरायटी देखने को मिलती है, लिपिड्स के फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा हैं। लिपिड वो चीज़ बनाता है हमारी बॉडी में जो कि अगर ना होती तो हम एक सेल को सेल ना कह सकते, उसकी आइडेंटिटी यही देता है। क्यों? क्योंकि लिपिड्स की बनी होती है या लिपिड की बाईलेयर की बनी होती है हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, या उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ना हो, तो एक सेल को आप कह नहीं पाओगे कि हाँ ये एक सेल है। उस सेल की आइडेंटिटी देने के लिए हमको लिपिड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो ये क्या होता है, लिपिड्स जो है वो हमको इस तरीके से देखने को मिलते हैं, बहुत ही लार्ज एरे बनाते हैं और इनका जो ग्रीक वर्ड है लाइपोस, लाइपोस का मतलब होता है फैट, तो वहाँ से इसका नाम डिराइव किया गया है लिपिड्स का, क्योंकि ये ज़्यादातर फैट ही जनरली इनको कहा जाता है और इनकी मोनोमेरिक यूनिट बहुत ही सिंपल होती है। ठीक है, ये बेसिकली सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और यहाँ पे कह लें कि हमारे CH2 की लंबी लंबी चेन्स देखने को मिलती है हमको इसमें, जो कि हमारा एक लार्जर पॉलीमर या एक बायोमोलिक्यूल बना के सामने लाती हैं। क्योंकि सिर्फ हाइड्रोकार्बन हमको यहाँ पे मिलते हैं, तो हमारा जो लिपिड है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ये इसका जनरल एकदम क्राइटेरिया। जैसे कि आप पानी में तेल मिलाओ तो वो लिपिड है वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक होता है, इनसॉल्युबल होता है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं? क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, बेंजीन है, इन सब में हमको लिपिड्स जो है वो सॉल्युबल मिलता है। ये बहुत ही सारी वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और कौन कौन से मेजर टाइप्स हैं फैट्स के, कौन से हमारे पास फैट्स हैं? ऑयल्स है, वैक्सेस है, फॉस्फोलिपिड्स है, स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड हमारी बाईलेयर बनाते हैं, वैक्सेस हमारे कोट्स की तरह काम करते हैं लीफ के ऊपर, जिसको हम क्यूटिकल लेयरिंग कहते हैं। ऑयल्स हमको पता ही है कितने सारे देखने को मिल रहे हैं, और फैट्स तो हमारी बॉडी में स्टोर होता ही है फैट की फॉर्म में, जब हम एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर करके अपना वेट गेन करते हैं। ठीक है, तो ये हमको पता चलता है। और फैट्स और ऑयल जो है ये स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी की, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट यूज़ करने के लिए ना बचे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तीन मेन बायोलॉजिकल फंक्शन है जो कि हमको लिपिड परफॉर्म करते हुए मिल रहे हैं। क्या? ये स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के, ये एनर्जी स्टोर हाउस की तरह काम कर रहे हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तीन मेन लिपिड्स जो है वो हमको कौन से देखने को मिलते हैं? आर ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड एस्टेरॉल्स, जो कि हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम देखें इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करें किस तरीके से आप लिपिड्स को क्लासिफाई कर पा रहे हो, तो है हमारे पास तीन मेजर क्लासेस, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। जैसे प्रोटीन में था वैसे ही, क्या? सिंपल लिपिड्स, ये लिपिड्स ईस्टर्स होते हैं किसके? फैटी एसिड और एल्कोहल्स के। ठीक है,
फैटी एसिड और अल्कोहल के ईस्टर होते हैं। इनमें ऑयल्स, फैट्स और वैक्सेस आते हैं हमारे पास। फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? ग्लिसरॉल। फैटी एसिड कौन से? कोई भी। इस तरीके से हमारे ग्लिसरॉल की बैकबोन बनती है। इसको जब आप हाइड्रोलाइज करो तो आपके पास ग्लिसरॉल निकल के आए और फैटी एसिड निकल गया है। तो ऐसे लिपिड्स को आप कहते हो सिंपल लिपिड्स, ठीक है। कंपाउंड लिपिड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ साथ कुछ एडिशनल मॉलिक्यूल भी ऐड कर दो, जैसे कि हमारा फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, प्रोटीन। यहाँ पे इस कार्बन पे अगर आप फॉस्फेट ऐड कर दो, शुगर ऐड कर दो, प्रोटीन ऐड कर दो, तब हम क्या कहेंगे कि ये हमारे कंपाउंड लिपिड्स हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स में क्या होता है, ये ऐसे लिपिड्स हैं जो कि हमको किसी और क्या कहते हैं किसी और कंपाउंड से, किसी और जगह से डिराइव होके बनते हुए मिलते हैं, ठीक है, या इनसे कुछ डिराइव होके बनता है। जैसे कि विटामिन, जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कौन से? ए, डी, ई, के, ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन क्या हो रहे हैं? डिराइव हो रहे हैं यहाँ से। एस्ट्रॉइड हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये हमारे डिराइव्ड लिपिड्स हैं जो कि इन जनरल लिपिड्स से डिराइव होके बन रहे हैं और अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमको वो डिराइव्ड लिपिड्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अगर हम लोग बात करना चाहेंगे लिपिड्स की कौन सी हो सकती हैं, तो बेसिकली दीज आर द मेन फूड स्टोरेज कंपाउंड्स, सर्व एज रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी, चाहे प्लांट सीड हो, चाहे हमारी बॉडी हो, सब जगह ऐसे किया जाता है ना। ऑयल्स और फैट्स जो हैं वो एसेंशियल हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, किसके? फैट सॉल्युबल विटामिन्स के, ए, डी, के, अगर ऑयल्स फैट्स और ऑयल्स नहीं होंगे तो इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, है ना। इसके अलावा सब क्यूटेनियस फैट्स जो हैं वो बायोलॉजिकल इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, एक्सेसिव हीट लॉस होने से बचाते हैं, है ना, जो हम लोग को गर्मी लग रही, सॉरी ठंड लग रही होती बहुत ज़्यादा। फॉस्फोलिपिड जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट्स हमारे सेल मेम्ब्रेन की, हमारी बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन इसी से मिलकर बनी हुई है, हमको पता है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारे हॉर्मोन्स जो होते हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब। और कुछ एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं किसके लिए? लिपिड मॉलिक्यूल्स के मैक्सिमम एक्शन के लिए। सम एंजाइम्स जो है वो हमको देखने को मिलते हैं जो कि लिपिड्स अगर उनके साथ हो तो वो मैक्सिमम एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने निकल के आई हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में। तो आई होप आपको बायोमॉलिक्यूल्स के सभी चीज़ें समझ में आई हों। कोई भी दिक्कत होती है तो आपको पता है क्या करना है। डू शेयर विद अस, सब्सक्राइब टू अवर गुरुमंत्रा चैनल, सब्सक्राइब टू या ज्वाइन अवर गुरुमंत्रा डिस्कशन ग्रुप। ओके, सो विल मीट यू इन दी नेक्स्ट क्लास। तब तक स्टे सेफ एंड कीप स्टडी। ओके, थैंक यू सो मच।